हेलो गाइस, तो चलिए सर्दी के मौसम में मिलकर बनाते हैं ये स्पेशल वेज पुलाव। सच में इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास चावलों को भिगो लिया था और यहीं पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था और उसमें 1 शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट करके फ्राई कर लिया है। तो जैसे ही शिमला मिर्च फ्राई होते हैं, यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे और उन्हें भी क्यूब्स में कट कर लिया था और इसे भी फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही मैंने आधी गोभी ली थी और उसे भी फ्राई कर लिया था। आप अपने हिसाब से गोभी वगैरह ले सकते हैं। अब उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग और 1 बादियान का फूल लेकर भी इसे तेल में डाल दिया था और क्रैकल कर लिया था। अब हम डालेंगे 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन फ्राई होता है, हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिलाएंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ और थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेंगे। जैसे ही ये भुनती है, अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और इसे मसाले में मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्च और आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से इसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है, बहुत टेस्टी। इसका जो टेक्सचर आ जाता है ना, खट्टा, वो बहुत अलग होता है। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और पानी डालकर इसे भून लेंगे। अब हम भूनने के बाद इसमें दोबारा पानी डाला है और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही और चम्मच चलाते हुए इसे भून लेंगे। मैंने दही से पहले पानी इसलिए डाला है जिससे कि दही ना फटे। जैसे ही दही का डलकर भी भुन जाएगी, उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। यहाँ मैंने कुछ फ्रेंच बीन्स ली हैं और थोड़ी सी गाजर कटी हुई ली है और इसे भी इसमें मसाले में मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भून लेंगे। जैसे ही ये भुन जाएगी, ये देखिए कितने अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम अपनी फ्राई की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। ये देखिए, बस आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बनानी है। बहुत अलग टेस्ट आता है इसका, सच में रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए, यहाँ पर मसाला अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी डाला है। मैंने 1 गिलास लिया था, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लें, जैसे भी चावल होंगे, क्योंकि सबके चावल अलग अलग होते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने चावल सारे डाल देंगे और बस इसे बंद करेंगे, बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोलकर देखा, तो चावल कितने अच्छे से बन चुके थे। बस अब हम इसे दम करेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए दम करेंगे। ये देखिए, 15 मिनट बाद जब मैंने इसे खोल कर देखा, तो कितने अच्छे से खिले खिले चावल आ गए हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया, गोल्डन फ्राई किया है और इसे चावलों में डाल देंगे, तड़का लगा देंगे और बस यहाँ पर मैंने इसे कर लिया था सर्व। ज़्यादा टाइम ना लगाकर वीडियो बहुत छोटी बनाई है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर।